कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग से खास बातचीत। इंडिया न्यूज से बातचीत में बोले विश्वास सारंग, बीजेपी कैडर बेस पार्टी है, विश्वास सारंग ने कहा है, और जल्द ही प्रत्याशियों का चयन कर घोषणा होगी। बीजेपी मंथन करके रणनीति बनाकर फैसला लेती है, किसी प्रकार की कोई भी नाराजगी बीजेपी में नहीं है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, जो कि अभी हाल ही में पिछले 5 दिनों में उपचुनाव वाली सीटों में दौरा करके आए हैं। लगातार बैठक उनकी जारी थी और कार्यकर्ताओं से भी आपकी मुलाकात हुई है। सर, क्यों डिले हो रहा है प्रत्याशियों के चयन? नहीं, कहीं कोई डिले नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी, हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन और प्रत्याशी के घोषणा की पूरी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए समय से ही प्रत्याशी का घोषणा होगी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे यहाँ नीचे से नाम आते हैं, प्रदेश की चुनाव समिति उस पर विचार करती है और संसदीय बोर्ड उसका फाइनल निर्णय लेता है, तो वो प्रक्रिया का पूरा पालन होते हुए घोषणा होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस कह रही है हम सर्वे पे टिकट देते हैं। अरुण यादव पिछले 2 दिनों से अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, आज भोपाल पहुंच चुके हैं, भोपाल में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस प्रकार से अरुण यादव जी के साथ कांग्रेस ने खेल खेला है, ये निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन दिग्विजय सिंह का भी एक ट्वीट सामने आता है कि अब बीजेपी जो है वो पूरे कांग्रेस के नेताओं से भरमार है, पूरे कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके। देखिए, कहीं कोई राजी नाराजी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के विचार, जो इस देश प्रेम की भावना के साथ राष्ट्रभक्ति और इस देश की एकता अखंडता के लिए अपना सर्वस्व निछावर करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है। तो भारतीय जनता पार्टी में जो राष्ट्रभक्त है वो आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अनुमान लगाया जाए आने वाले समय में नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना। बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है बीजेपी में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। लगातार बैठकों का दौर जारी है और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का यही कहना है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, लगातार जो है बैठक करके विचार मंथन किया जा रहा है और 1 से 2 दिनों में जो है बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।